हेलो एवरीवन, मैं पिपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 17 मार्च 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, अभी राज्यसभा ने जो है जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 है उसको पास कर दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को राज्यसभा ने जो है अभी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 को पास किया है। और ये जो है अभी भारत में जो तीन जो यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस प्रोवाइड करेगी। और राज्यसभा ने जो है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2019 को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 को जो है वॉइस वोट के द्वारा पास किया है। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में ये कहा है कि संस्कृत लिटरेचर हैज़ द लार्जेस्ट रिपोजिटरी अलॉन्ग विद द रिच हेरिटेज। और उन्होंने ये भी कहा है कि संस्कृत में जो रिसर्च का जो वर्क जो कर रहे हैं उन सभी लोगों को अभी ये हेल्प करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इंडिया जो है अभी नेपाल में तीन जो न्यू स्कूल्स है उसके लिए 107.01 मिलियन का जो नेपाली रुपीस है वो देंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया जो है वो अभी 107.01 मिलियन नेपाली रुपीस जो है वो अभी जो कि थ्री जो न्यू स्कूल बिल्डिंग्स है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे इंडिया। और ये जो स्कूल्स जो है वो उसको अभी दरचूला, धनुषा और कपिलावस्तु डिस्ट्रिक्ट्स में इसको मतलब बनाया जाएगा इन स्कूल्स को। और 16 मार्च 2020 को काठमांडू में जो है अभी बिटवीन द बॉडीज ऑफ इंडिया नेपाल एंड अलाइड डिस्ट्रिक्ट्स एमओयू साइन किया गया था। और इंडिया नेपाल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है वो अभी इन स्कूल्स को निर्माण करेंगे फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ कंट्रीज़। तो दोनों ही कंट्रीज़ की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, यस बैंक का जो फुल बैंकिंग सर्विसेज है उसको अभी 18 मार्च से फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फुल बैंक सर्विसेज ऑफ यस बैंक जो है वो अभी 18 मार्च 2020 वेडनेसडे को 6 PM से ये फिर से शुरू किया जाएगा इन सभी को। और ये जो है ये अभी एक ट्वीट के जरिए इसको कन्फर्म किया गया है बैंक के द्वारा। और यस बैंक ने जो है ट्वीट करते वक्त ये कहा है कि कस्टमर्स जो है वो अभी उनके जो 1132 ब्रांचेस जो है उनमें इन मतलब ब्रांचेस में किसी भी ब्रांच में इन ब्रांचेस में से 19 मार्च 2020 से ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स टू एक्सेस देयर सर्विसेज विजिट कर सकेंगे। और कस्टमर्स जो है वो अभी कस्टमर्स विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सेस देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इंडिया ने जो है अभी इंडिया इश्यूज रिवाइज टेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है उन्होंने अभी एक जो रिवाइज टेस्टिंग स्ट्रेटजी है COVID-19 वायरस के लिए उसको जारी किया है, उसको इश्यू किया है इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो नोटिफिकेशन जो है उसको 16 मार्च 2020 को रिलीज किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी जो कि निर्भया केस के ऊपर जो अभी क्यूरेटिव पेटिशंस फाइल किया गया था, मतलब उनके जो एक्यूज है इस केस में उन लोगों ने जो ये फाइल किया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है अभी जो कि क्यूरेटिव पेटिशंस फाइल ओवर निर्भया केस उसको रिजेक्ट कर दिया है। और एक्यूज्ड हैड फाइल अ क्यूरेटिव पेटिशन सीकिंग टू पुट हिज एग्जीक्यूशन ऑन होल्ड, अपने मतलब जो फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए उसी की मांग में ये जो एक जो क्यूरेटिव पेटिशन है उसको फाइल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी 20 मार्च को
सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी उनके सभी मतलब प्लेस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है, और सभी मतलब अपराधियों को 20 मार्च 2020 को फांसी की सज़ा सुनाई है। अ क्यूरेटिव पटिशन इज फाइल आफ्टर द प्ली कन्विक्शन अगेंस्ट फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड। और क्यूरेटिव पटिशंस जो है वो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 142 उसके अंडर इसको फाइल किया जाएगा, फाइल किया जाता है। इट शैल बी फाइल आफ्टर द रिव्यू पटिशन इज डिसमिस्ड बाय द एपेक्स कोर्ट। तो एपेक्स कोर्ट के द्वारा जो जो रिव्यू पटिशन जो है उसको डिसमिस्ड करने के बाद इसको फाइल किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रंजन गोगोई जो कि फॉर्मर CJI है, उनको अभी राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद, उन्होंने फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है उनका रिटायरमेंट नवंबर 2019 को हुआ था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन ट्रायल जो है वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है अभी जो कि फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल इवेल्यूटिंग COVID-19 वैक्सीन जो है उसको शुरू किया है। और US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो अभी 45 जो हेल्दी एडल्ट वॉलेंटियर्स है बिटवीन एज 18 एंड 55 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैक्सीन एनरोल करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 10% रिडक्शन ऑफ रोड एक्सीडेंट इन 5 मंथ्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने जो है अभी राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि सिंस द पैसेज ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट जो रोड एक्सीडेंट्स में जो है 10% मतलब उस घटा है, कम हुई है, 10% की कमी हुई है। और क्वेश्चन आवर के दौरान मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है कि इंडिया ने जो है अभी 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सीडेंट्स जो है उसको रिड्यूस करने के लिए वादा किया है। ऑल्सो इंडिया ने जो है अभी वर्ल्ड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो है जो कि स्वीडन में हाल ही में हुआ था उसमें साइन भी किया था, हस्ताक्षर भी किए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है NMDC ने जो है अभी आयरन ओर प्राइसेस में रिड्यूस किया है बाय 1.5%। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये घोषणा किया है प्राइसेस व आयरन ओर जो है वो अभी 1.5% तक रिड्यूस किया जाएगा। द कॉरपोरेशन इज टेकिंग सच मेजर्स प्रेडिक्टिंग डिक्लाइन इन आयरन और डिमांड्स ड्यू टू द थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी जो कि पीपल फ्रॉम UK EU जो है उन सभी के एंट्री के ऊपर बैन लगा दिया है, उस ब्लैंकेट बैन कॉमन ऑन इंडिया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 मार्च 2020 को इंडिया ने ये घोषणा किया है कि जो अभी जो लोग जो यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम से जो आ रहे हैं उनको टिल द एंड ऑफ मार्च 2020 उनके मतलब एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और जो कि ये जो है ये मतलब जो कि कोरोना वायरस का जो थ्रेट जो है उसके बढ़ने के साथ ही ये किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2020। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है उसको ग्लोबली मतलब दुनिया भर में जो है 15 मार्च 2020 को मनाया गया ताकि जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस डे का जो एम जो है वो अभी जो कि एक जो कंज्यूमर्स का जो नीड जो है कंज्यूमर का जो नीड जो है और राइट्स जो है उनको उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे का एम है। एंड एंश्योर दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू सोशल इनजस्टिस और मार्केट अब्यूज दैट मे अंडरमाइन देयर राइट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है अभी स्कीम्स के बारे में घोषणा की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है अभी स्कीम न्यू जो स्कीम्स है उसके बारे में घोषणा की है ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट है स्टेट में उनको बेनिफिट मतलब प्रोवाइड कर सके जिन्होंने मतलब देश को गौरवान्वित किया है। और ये जो अनाउंसमेंट जो है 15 मार्च 2020 को राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह उन्होंने ये घोषणा की थी। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अभी टू जो न्यू स्कीम्स है CMAST स्कीम एंड CMAT स्कीम उसके बारे में घोषणा किया है। और द स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 7.36 करोड़ एंड रुपीज़ ऑफ 5.70 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ सपोर्ट अस। टेक केयर, जय हिंद।